गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए। आज हम इस लेक्चर के अंदर जितने भी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखते हैं। इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट 1 मार्क्स की रहेगी, यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स की रहेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 मार्क्स का रहेगा, यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 8 मार्क्स का, यूनिट फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मार्क्स का, यूनिट सिक्स ऑप्टिक्स 14 मार्क्स की रहेगी, यूनिट सेवंथ ड्यूल नेचर 4 मार्क्स का, यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस 7 मार्क्स का रहेगा, लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल फिजिक्स 70 मार्क्स की, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। अब हम कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट बाय यूनिट मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करना है और अच्छे से इन क्वेश्चनों पे बारी बारी प्रैक्टिस करनी है। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट करिए। टोटल 16 क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, टोटल 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टोटल 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे। यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। यूनिट फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टोटल 7 क्वेश्चंस स्क्रीन पे आएंगे। यूनिट सिक्स ऑप्टिक्स, टोटल 28 क्वेश्चंस। यूनिट सेवन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, टोटल 6 क्वेश्चन। यूनिट एट एटम एंड न्यूक्लियाई, टोटल 6 क्वेश्चन। यूनिट 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, टोटल 19 क्वेश्चन। लास्ट यूनिट कम्युनिकेशन, टोटल 12 क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन थे यूनिट बाय यूनिट। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिएगा
और अच्छे से इसको स्टडी करना है, अच्छे से इसको लर्न करना है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। आप सबको अगेन बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइएगा।